हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट यूजी 2023 में एमबीबीएस का न्यू फी स्ट्रक्चर क्या है उत्तर प्रदेश से स्टेट के अंदर। जो इस साल नीट यूजी 2023 में जो अपडेटेड फी स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चेंजेज आए हैं या नहीं आए हैं, इन तमाम जानकारी को मैं देने वाला हूँ वैसे स्टूडेंट जो नीट यूजी 2023 में एमबीबीएस उत्तर प्रदेश स्टेट में करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश से करना चाहते हैं। साथ में बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या ट्यूशन फी पर ईयर का हो सकते हैं पार्टिकुलर कॉलेज वाइज, ट्यूशन फी के साथ साथ मिसलेनियस कितना जाते हैं, साथ में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट कितने करने हैं, और पर एनम अगर बात किया जाए हॉस्टल का क्या चार्ज होता है एसी और नॉन एसी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी किसी भी स्टेट में या फिर यूपी में लेना चाहते हैं तो चाहे तो इसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो का स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस नंबर से आप कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ कि उत्तर प्रदेश स्टेट के तरफ से किसी भी तरीके के फी में चेंजेस दिखते हुए नज़र नहीं आई है। योगी सरकार ने ये बताया है कि लास्ट ईयर के जो फी था उसके अकॉर्डिंग ही फी चार्ज की जाएगी। वैसे फी को इंक्रीमेंट करने के लिए कॉलेज का जो लगातार प्रयास था लेकिन ये प्रयास विफल हो चुका है, और जो पिछले लास्ट ईयर 2021 से जो फी डिसाइड की गई है वो सेम फी आपको नीट यूजी 2023 में भी एमबीबीएस का चार्ज की गई है। इसी बीच जो आपको सरस्वती मेडिकल कॉलेज उन्नाव की तरफ से खबर आता है, इस कॉलेज को इस बार काउंसलिंग से बाहर कर दी गई है। तो टोटल अगर हम ओवरऑल कॉलेज की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर 25 ऐसे कॉलेज हैं जो कि नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है जिसका फी 10 लाख टू 13 लाख पर एनम जाता है। साथ में 5 ऐसे कॉलेज हैं जो माइनॉरिटी के अंदर आता है, इसमें 4 कॉलेज ऐसे हैं जो कि मुस्लिम माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, और 1 ऐसे कॉलेज है, सिंगल कॉलेज है जो कि तीर्थंकर महावीर TMU मुरादाबाद, ये आपको जैन माइनॉरिटी कॉलेज से बिलोंग करते हैं। तो हम सभी कॉलेज को एक एक करके यहाँ पे देखते हैं कि क्या आपको ट्यूशन फी है, किस तरीके से आपको चार्जेज की जाती है। तो सबसे पहले हम आते हैं GS मेडिकल कॉलेज हापुड़। GS मेडिकल कॉलेज हापुड़ का जो ट्यूशन फी है जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, चाहे तो आप स्क्रीन को स्क्रीनशॉट करके ले सकते हैं। GS मेडिकल कॉलेज हापुड़ का ट्यूशन फी जो है 11,78,892 रुपीज़ है। वहीं बात करते हैं हॉस्टल फी विथ मेस, 1,50,000 चार्ज की जाएगी नॉन एसी का, वहीं एसी का आपको 1,75,000, सिक्योरिटी डिपॉजिट 3 लाख रुपीज़ का करना है, और अदर चार्जेज है वो सभी कॉलेज का 85,600 रुपीज़ चार्ज की जाएगी। जितने भी कॉलेज हैं नॉन माइनॉरिटी कॉलेज सभी का मिसलेनियस चार्ज सेम है, सिक्योरिटी डिपॉजिट सेम आपको ली जाएगी, हॉस्टल भी सेम ली जाएगी, और साथ में आपको एसी और नॉन एसी का भी हॉस्टल का सेम ली जाएगी। थोड़ा सा आपको जो चेंजेज होंगे वो ट्यूशन फी में चेंजेस दिखते हुए नजर आएंगे। तो फर्स्ट ईयर में जो पेमेंट करना होगा GS मेडिकल कॉलेज हापुड़ के लिए वो 17,14,492 रुपीज़ इंक्लूडिंग ट्यूशन फी, मिसलेनियस हॉस्टल फी एंड अदर चार्ज। इसके बाद हम बात करें टोटल पैकेज का, तो टोटल पैकेज 4.5 इयर्स का जाएगा वो 63,65,214 रुपीज़। तो अब हम सिर्फ ट्यूशन फी और टोटल फर्स्ट ईयर में कितना अमाउंट देना है, टोटल पैकेज क्या जाएगा उसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा, बाकी आप स्क्रीनशॉट करके देख सकते हैं। क्योंकि सभी का ट्यूशन फी के साथ साथ हॉस्टल फी है वो सभी कॉलेज का सेम है, एसी और नॉन एसी का, सिक्योरिटी डिपॉजिट सभी को सेम ही कॉलेज में पे करना है, सेम फी, अदर चार्ज भी सेम ही है। तो यहाँ पे देखते हैं हेरिटेज मेडिकल कॉलेज वाराणसी, इसका जो ट्यूशन फी है वो 13,21,492 रुपीज़, आपको फर्स्ट ईयर में जो पेमेंट करना होगा वो 18,57,092 रुपीज़, टोटल पैकेज है 70,06,914 रुपीज़। इसके बाद हिंद मेडिकल कॉलेज बाराबंकी, इसका 11,70,612 रुपीज़ आपका ट्यूशन फी है, फर्स्ट ईयर में जो पेमेंट करना होगा वो 17,06,212 रुपीज़ आपको पे करना होगा, टोटल पैकेज जाएगा आपको 63,27,954 रुपीज़। इसके साथ साथ हिंद मेडिकल कॉलेज सीतापुर की बात किया जाए तो इसका फी थोड़ा कम है, 10,77,229 रुपीज़, फर्स्ट ईयर में आपको 16,12,829 रुपीज़ पे करना होगा, जो आपको टोटल पैकेज 4.5 ईयर के जाएगा वो 59,07,731 रुपीज़। इसके बाद आपको KD मेडिकल कॉलेज आपका मथुरा में है, इसका फी आपको पर ईयर का है 12,28,240 रुपीज़, फर्स्ट ईयर में जो आपको पेमेंट करना होगा इंक्लूडिंग हॉस्टल मिसलेनियस एंड एवरीथिंग 17,63,840 रुपीज़, टोटल ओवरऑल पैकेज जो जाएगा 4.5 इयर्स का वो 65,87,280 रुपीज़। इसके बाद है कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज मथुरा, इसका फी 11,73,856 रुपीज़ है, फर्स्ट ईयर में आपको 17,09,456 देना है, टोटल पैकेज 63,42,552 रुपीज़ आपको देना है।
अगला कॉलेज आपको मेयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आपका बाराबंकी में है। इसका 11,21,162 रुपीज आपको मयो का जो टोटल पैकेज आपको मैंने बताया, टोटल पैकेज जो आपको मयो मेडिकल कॉलेज के जाने वाला है 61,05,429 रुपीज। इसके बाद अगला कॉलेज है मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज। मुजफ्फरनगर काफ़ी अच्छा कॉलेज है, रेपुटेटेड कॉलेज है। इसका फी है पर ईयर का 12,80,837 रुपीज। आपका फर्स्ट ईयर में आपको जो पेमेंट करना होगा 18,15,637 रुपीज। टोटल पैकेज जो आएगा जाएगा आपको 4.5 ईयर्स का, वो 68,20,367 रुपीज जाने वाला है। अगला कॉलेज आपको है प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि लखनऊ में है। इसका ट्यूशन फी आपको पर ईयर का 11,03,932 रुपीज़ और फर्स्ट ईयर में जो आपको पेमेंट करना होगा 16 लाख रुपीज़ आपको फर्स्ट ईयर में 16,39,532 रुपीज़ पे करना होगा। टोटल पैकेज आपको 60,27,894 रुपीज़ के जाएगा। अगला कॉलेज आपको राजश्री मेडिकल कॉलेज जो कि बरेली में है। इसका फी आपको पर ईयर का 12,28,406 रुपीज़ है। फर्स्ट ईयर में आपको 17,64,006 रुपीज़ पे करना होगा। टोटल ओवरऑल पैकेज 65,88,027 रुपीज़ आपको देना होगा। इसके बाद अगला कॉलेज है रमा मेडिकल कॉलेज जो कि आपको हापुड़ में है। रमा मेडिकल कॉलेज का आपको जो फर्स्ट ईयर में फी पेमेंट करना होगा वो आपको करना होगा 13,09,968 रुपीज़। फर्स्ट ईयर में आपको 18,45,568 रुपीज़। टोटल पैकेज 69,556 रुपीज़ करना होगा। रमा मेडिकल कॉलेज कानपुर की अगर बात की जाए तो इसका ट्यूशन फी 12,66,579 रुपीज़। फर्स्ट ईयर में आपको जो पेमेंट करना होगा रमा मेडिकल कॉलेज के लिए 18,02,179 रुपीज़। टोटल पैकेज 67,59,806 रुपीज़ करना होगा। इसके बाद रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे कुछ बॉन्ड भी है जो कि बरेली में है। रिपोर्टेड कॉलेज ये भी है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी है, पेशेंट तो अच्छा है। इसका टोटल अगर फर्स्ट ईयर का बात किया जाए तो 13,251 रुपीज़ आपको फर्स्ट पर ईयर का ट्यूशन फी जाता है। फर्स्ट ईयर में आपको 18,35,851 रुपीज़ आपको चार्ज की जाती है। टोटल पैकेज आपको 69,11,330 रुपीज़ की जाती है। इसके बाद आपको सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि हापुड़ में है, इसका फर्स्ट ईयर का फी आपको चार्ज की जाती है यानी कि पर ईयर का 11,81,671। फर्स्ट ईयर में आपको 17,17,271 दिया जाएगा और टोटल पैकेज 4.5 ईयर का 63,77,720 रुपीज़ ली जाएगी। एक और आपका सरस्वती मेडिकल कॉलेज उन्नाव में है जो कि इस साल काउंसलिंग से बाहर है। इसके बाद हम बात करते हैं शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा जो कि लोकेशन वाइज काफ़ी अच्छा है। इसका क्वालिटी डे बाई डे इतना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। लोकेशन दिल्ली NCR में होने की वजह से इसका कटअप पिछले 3 साल से काफ़ी हाई रहता है। इसका पर ईयर का फी है 12,69,319 रुपीज़। इसका टोटल जो फर्स्ट ईयर में पेमेंट करना होगा 18 लाख आपको फर्स्ट ईयर में पेमेंट करना होगा 18,04,919 रुपीज़। टोटल 4.5 ईयर के पैकेज जाएगा 67,72,136 रुपीज़। इसके बाद अगला कॉलेज है श्री रामा मेडिकल कॉलेज जो श्री रामा मूर्ति स्मारक जो है बरेली में। इसका फी पर ईयर का 13,73,760 रुपीज़। फर्स्ट ईयर में आपको 19,09,360 पे करना होगा। टोटल आपको पैकेज 72,42,120 रुपीज़ देना होगा। इसके बाद अगला कॉलेज है सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ जो कि माइनॉरिटी हो सकता है आने वाले दिन में, लेकिन अभी माइनॉरिटी नहीं हुआ है। इसका फी 11,85,133 रुपीज़ है आपको पर ईयर। फर्स्ट ईयर में पेमेंट करना होगा एट ए टाइम ऑफ एडमिशन 17,20,733 रुपीज़। टोटल पैकेज आपको जाएगा 63,93,299 रुपीज़। इसके बाद आपको TMS यानी कि TS मिश्रा मेडिकल कॉलेज लखनऊ में है। 12,99,199 रुपीज़ आपको पर ईयर का ट्यूशन फी है। फर्स्ट ईयर में आपको 18,34,799 रुपीज़ पे करना होगा। टोटल पैकेज आपको 69,6,596 रुपीज़ आपको पे करना होगा। इसके बाद वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज जो कि शाहजहांपुर में है, इसका पर ईयर का फी है 12,10,000 रुपीज़। फर्स्ट ईयर में आपको 17,45,600 रुपीज़ पे करना होगा। टोटल पैकेज आपको जाएगा 4.5 ईयर के लिए 65,520 रुपीज़। इसके बाद आपको श्री वेंकटेश्वर मेडिकल कॉलेज जो अमरोहा में है, इसका ट्यूशन फी पर ईयर 11,10,508 रुपीज़ है। फर्स्ट ईयर में आपको 16,46,108 रुपीज़ पे करना होगा। टोटल पैकेज आपको 60,57,486 रुपीज़ पे करना होता है। इसके बाद आपको MSY मुलायम सिंह यादव मेडिकल कॉलेज था जिसका नाम अब नेशनल कैपिटल मेरठ मेडिकल कॉलेज जो कि मेरठ में है।
इसका अगर बात किया जाए तो पर ईयर का फी आपको 12,19,917 रुपीज़ आपको चार्ज की जाती है। और अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर का ट्यूशन फी का, तो फर्स्ट ईयर का जो आपको ट्यूशन फी जाएगा आपको MSY का 17,55,517 आपको पे करना होगा। और वहीं पैकेज की बात किया जाए तो 65,49,827 आपको पड़ेगा आपको टोटल पैकेज। इसके बाद यूनाइटेड इंस्टीट्यूट्स आपको प्रयागराज में है, इसका ट्यूशन फी आपको 11,90,401 रुपीज़ है। फर्स्ट ईयर में 17,26,001 रुपीज़ पे करना होगा, टोटल पैकेज 64,17,005 रुपीज़। इसके बाद आपको नोएडा इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज जो कि गौतम बुद्ध नगर में है, भी आपको दिल्ली NCR में है, ये कॉलेज भी बहुत जल्द डेवलप कर जाएगा, लोकेशन वाइज काफ़ी अच्छा है। इसका पर ईयर का फी 11,92,211 रुपीज़ है। फर्स्ट ईयर में आपको जो पेमेंट करना है वो 17,27,811 रुपीज़, टोटल पैकेज 64,25,150 रुपीज़। इसके बाद आपको नारायण मेडिकल कॉलेज जो कि आपको कानपुर में है, ये पिछले साल पार्टिसिपेट किया था काउंसलिंग में, इसका ट्यूशन फी आपको बात किया जाए तो 12,14,683 पर ईयर है। फर्स्ट ईयर में आपको पूरा पैक जो ट्यूशन पे करना होगा आपको जो मनी वो 17,50,283 रुपीज़, टोटल पैकेज 65,26,274 रुपीज़। लास्ट ईयर जो सबसे लो कट ऑफ गया था वो नारायण का ही गया था। इसी के साथ मैं बात करूँ, इस साल जो नया कॉलेज आया था जो 26 नंबर पे है वो है SKS मेडिकल कॉलेज मथुरा। लोकेशन वाइज काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा ग्रुप है इसका, इसका जो और भी कॉलेजेज हैं इसका ग्रुप काफ़ी बड़ा है SKS का। इसका ट्यूशन फी पर ईयर का 11,82,128 है। फर्स्ट ईयर में पेमेंट करना होगा इंक्लूडिंग हॉस्टल मिसलेनियस अदर चार्ज सब कुछ ऐड करके 17,17,728, टोटल पैकेज आपको जाएंगे वो 63,79,776 रुपीज़। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये रहा आपका नॉन माइनॉरिटी कॉलेज का, अब माइनॉरिटी की तरफ ध्यान देते हैं। माइनॉरिटी में कैरियर मेडिकल कॉलेज लखनऊ में है, इसका आपको पर ईयर का ट्यूशन फी 14,75,000 है। यहाँ पे आपको हॉस्टल फी 3,00,000 रुपीज़, इसके बाद आपको नॉन एसी का मेस के साथ और एसी का हॉस्टल मेस 4,00,000 रुपीज़, और आपको जो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना है 3,00,000 रुपीज़, अदर चार्ज यहाँ पे नहीं है। टोटल पर फर्स्ट ईयर में पेमेंट करना होगा 20,75,000, टोटल पैकेज आपको जाएगा 4.5 ईयर का 83,60,000। इसके बाद एरा मेडिकल कॉलेज जो लखनऊ में है, इसका आपको पर ईयर के यहाँ पे ट्यूशन फी में 8% इंक्रीमेंट होता है। फर्स्ट ईयर का फी आपको 16,60,000, हॉस्टल आपको नॉन एसी का विथ मेस 3,00,000 रुपीज़, एसी हॉस्टल विथ मेस 4,00,000 रुपीज़। आपको यहाँ पे अगर बात किया जाए सिक्योरिटी डिपॉजिट 1,00,000 रुपीज़, अदर चार्ज यहाँ पे नहीं है। फर्स्ट ईयर में भी आपको 20,60,000 करना होगा, टोटल पैकेज 1 CR 10,000 something आपको ये पे करना होगा। इसके बाद FH मेडिकल कॉलेज जो आगरा में है, इसका पर ईयर का फी 16,39,000 है। आपको यहाँ पे जो आपको जाएगा हॉस्टल प्लस मेस का फर्स्ट ईयर का फी 150 है, और एसी के साथ अगर हॉस्टल और मेस लेते हैं तो 250 है। सिक्योरिटी 3,00,000 रुपीज़, अदर चार्ज 85,060 रुपीज़, टोटल आपको फर्स्ट ईयर में पेमेंट करना होगा 20,89,000, ओवरऑल पैकेज हो जाएगा 4.5 ईयर का 86,44,250 रुपीज़। इसके बाद आपको इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है, इसका 16,00,000 पर एनम है। हॉस्टल प्लस मेस का आपको चार्ज है नॉन एसी का 250, हॉस्टल प्लस मेस एसी का 3,00,000 रुपीज़, और 1,00,000 रुपीज़ का आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट। फर्स्ट ईयर में 19,50,000, टोटल पैकेज 93,00,000 रुपीज़ का। ये जो मैंने बताया ये 3-4 कॉलेज, ये मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। अब हम आते हैं जैन माइनॉरिटी का। जैन माइनॉरिटी में तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज है, इसका फी पर ईयर 16,20,000, हॉस्टल प्लस मेस नॉन एसी 250, और हॉस्टल प्लस मेस एसी 350। 1,00,000 रुपीज़ का आपको यहाँ पे देना होगा आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट, अदर चार्ज 0 है। टोटल फी का अगर बात किया जाए 19,70,000 आपको चार्ज की जाएगी। इसमें आपको 8.1% आपको पर ईयर का इंक्रीमेंट होगा, ये आपको जनरल स्टूडेंट के लिए। और माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए बात किया जाए तो यहाँ पे माइनॉरिटी स्टेट कैंडिडेट के लिए 1,00,000 रुपीज़ समथिंग आपको यहाँ पे कम चार्ज ली जाती है। टोटल पैकेज आपको 99,01,807 रुपीज़ आपको माइनॉरिटी के चार्ज की जाती है। तो ये रहा आपका उत्तर प्रदेश स्टेट का फी डिटेल्स
हॉस्टल, मिसलेनियस, ट्यूशन फी, टोटल पैकेज मैंने बता दिया। जो स्टूडेंट राउंड वन में पार्टिसिपेट किए हैं, सीटें अलॉट होती है, तो सोच समझ के आपको आगे का एक्शन लेना होगा। यदि आपको राउंड वन में सीटें मिल जाती है, रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो आपका 2 लाख रुपये का सिक्योरिटी अमाउंट है फॉरफिट हो सकते हैं। सेम पैकेज में आपको झारखंड, बिहार और हरियाणा स्टेट में भी सीटें मिल सकती हैं। ऐसे और भी स्टेट हैं, इसके लिए चाहे तो